नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि आज CBSE ने क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे, जो रिजल्ट बनाने का क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, इसके बारे में बता दिया है। आज मैं आपको बताता हूँ दोनों क्लास के बारे में, 10th और 12th दोनों के बारे में, कि किस प्रकार से उनका रिजल्ट यानी उनका असेसमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम 10th क्लास की। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सारे पेपर दिए हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, MP में सारे बच्चों ने सभी पेपर दिए हैं। इट मीन्स जिन जगहों पर पूरे पेपर हुए हैं उन बच्चों का रिजल्ट उनके ही परफॉर्मेंस के बेस पे आएगा। मतलब जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है पूरे 6 पेपर या 5 पेपर में, उसी आधार पर उनका मार्किंग की जाएगी, उसी आधार पर उनका रिजल्ट आएगा। क्लियर हुई बात? जिन बच्चों ने पूरे पेपर दिए हैं उनका मार्किंग उसी हिसाब से होगी जैसे पहले के सालों में या पहले के ईयर में, प्रीवियस ईयर में होती थी। क्लियर? अब बात करते हैं वो बच्चे जिन्होंने 3 से ज़्यादा पेपर दिए हैं। हो सकता है किसी का 1 पेपर छूट गया हो सकता है किसी के 2 पेपर छूट गए। मान लीजिए किसी ने 3 से ज़्यादा पेपर दिए, मतलब 4 पेपर दिए, अपन ऐसा मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने 4 पेपर दिए हैं, तो उसका जो असेसमेंट होगा वो बेस्ट 3 के हिसाब से होगा। मान लीजिए एक बच्चे ने मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, इन 4 पेपर दिए हैं। अब मान लेते हैं कि उसमें इंग्लिश, साइंस और मैथ में उसके अच्छे मार्क्स आए हैं। ऐसा अपन मान लेते हैं तीनों का जो एवरेज मिला है तो उसके 90% होते हैं। ऐसा अपन मान लेते हैं कि एक बच्चे ने 4 पेपर दिए, उनमें से जो 3 अच्छे वाले पेपर हैं उसमें उसने 90% यानी एवरेज 90% लेके आया है, तो बाकी जो पेपर उसने नहीं दिए हैं उसमें भी उसको 90% मार्क्स ही मिलेंगे। समझ में आ गई? एक ऐसा बच्चा जिसने 4 पेपर दिए हैं लेकिन 3 पेपर में उसके 80 में से 70 नंबर आए हैं, ऐसा अपन मान लेते हैं एवरेज 70 नंबर आए हैं, तो जो 2 पेपर उसने नहीं दिए हैं उसमें भी उसको 70 मार्क्स ही दिए जाएंगे, या उसने जो 1 पेपर नहीं दिया उसमें भी उसको 70 मार्क्स ही दिए जाएंगे। ये पहला। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की, यानी जो बच्चे ने ओनली 3 पेपर दिए हैं। मान लीजिए कहीं पर COVID-19 की वजह से पेपर नहीं दे पाए बच्चे, ओनली 3 ही पेपर दे पाए हैं, तो ऐसे बच्चों को बेस्ट 2 देखा जाएगा। सपोज करते हैं कि एक बच्चा ऐसा है जिसने मैथ, साइंस और सोशल साइंस के पेपर दिए हैं, उसमें से मैथ्स में और सोशल साइंस में उसके अच्छे नंबर आए हैं। मान लेते हैं दोनों में मिला के, मतलब दोनों का जो एवरेज है उस एवरेज के हिसाब से उसके 75 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80 उसके जो मार्क्स हैं दोनों पेपर में एवरेज 75 मार्क्स आए हैं। तो क्या होगा कि जो पेपर उसने नहीं दिए हैं उसमें भी उसको 75 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस प्रकार से 10th क्लास के बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा, इस प्रकार से ही उनका रिजल्ट आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम 12th क्लास के स्टूडेंट की। तो जो स्टूडेंट ने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया है और उनका अगर जितने भी पेपर हुए हैं और जितने पेपर नहीं हुए हैं, मान लीजिए उनके 3 पेपर हुए थे और बाकी पेपर उनके नहीं हो पाए थे, तो जो 3 पेपर हो गए थे वो मार्क्स तो एज इट इज़ ऐड किए जाएंगे, लेकिन जो पेपर नहीं हुए थे उनके जो मार्क्स है वो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट जो होता है स्कूल में उसके आधार पर मार्किंग की जाएगी। मतलब एक बच्चा है 12th क्लास का जिसने 2 पेपर तो दिए हैं, बाकी पेपर उसके नहीं हो पाए हैं, तो 2 पेपर के मार्क्स तो उसमें जुड़ जाएंगे, लेकिन बाकी जो पेपर नहीं हुए उनके जो इंटरनल मार्क्स है, उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है, उस आधार पर उसकी जो असेसमेंट किया जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने केमिस्ट्री का पेपर नहीं दिया था, फिजिक्स का पेपर नहीं दिया था, तो उसका क्या होगा कि उसके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके इंटरनल्स के मार्क्स देखे जाएंगे। मान लीजिए उस बच्चे ने 25 में से 20 नंबर लेके आए हैं, इसका मतलब ये हो कि उसने 80% मार्क्स लेके आए हैं, तो होगा क्या कि जब उसका रिजल्ट बनेगा तो उस केमिस्ट्री और फिजिक्स में उसको 80% मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर हुआ? अब आपको ये तो मालूम ही है कि 12th क्लास में ऑप्शन दिया है कि आप बाद में पेपर दे सकते हैं, जब भी इसका माहौल ठीक होगा COVID-19 का तो आप पेपर दे सकते हैं। तो अगर आपने ये चूज़ कर लिया कि हाँ मैं पेपर देना चाहता हूँ, तो फिर आपके ही परफॉर्मेंस पे आपका रिजल्ट बनेगा। मतलब जो भी आप परफॉर्मेंस देंगे बाद में पेपर में, जब जो पेपर होगा और उसमें जितने भी मार्क्स आएंगे उसी आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा, फिर इंटरनल मार्क्स या इसका कोई उसमें गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी जानकारी जो मुझे आपको देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।